हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 6 क्लास 11th सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 11th क्लास का चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी नीड्स, काइंड्स, बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और इसके रीजंस, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस मैन टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक बिजनेस मैन की सोसाइटी के प्रति जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। बिजनेस मैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन ऑन अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस मैन क्या करता है? रिव्यू करता है जो भी इम्पैक्ट होते हैं उसके डिसीजन से, उसके एक्शन से, जो भी सोसाइटी है उस पर। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैनेजर टू कंसिडर वेदर देयर एक्शन इज लाइकली टू प्रमोट द पब्लिक गुड, टू एडवांस द बेसिक रिलीफ ऑफ आवर सोसाइटी, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हारमनी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूरत होती है, मतलब मैनेजर को ज़रूरत होती है ये कंसिडर करने के लिए कि जब एक्शन होता है उसको प्रमोट किया जाता है पब्लिक के लिए, टू एडवांस द बेसिक बिलीफ ऑफ आवर सोसाइटी, जो सोसाइटी के बेसिक बिलीफ्स होते हैं तो उसको कंट्रीब्यूट करे स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हारमनी। उसके बाद आता है नीड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अ बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निभाता है? तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब जो बिजनेसमैन होता है उसको अपना इंटरेस्ट होता है उसमें कि सोसाइटी से उसको कोई फ़ायदा होता है इसलिए। सेकेंड वन, बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है इसलिए वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। उसके बाद पब्लिक इमेज, सोसाइटी में बिजनेस की इमेज अच्छी हो इसलिए। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, और जो भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। फिर आता है सोशल पावर। सोशल पावर मतलब सोसाइटी, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा तो सोशल पावर उसके पास होगी, सोसाइटी की जो भी पावर होती है वो। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, रिसोर्सेज जो भी यूज़ किए जाते हैं, जो सोसाइटी से लिए जाते हैं, तो उनका मोरल जस्टिफिकेशन हो। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, और जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसको कंट्रीब्यूट करें, उसमें हेल्प करें। ये सारे जो रीजंस होते हैं इसकी वजह से जो एक बिजनेसमैन होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। के बाद है द केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सम एक्सपर्ट क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स गिवन अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर गिवन बिलो। क्या है, कुछ एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट किए हैं और कुछ अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पॉइंट्स दिए हैं। मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिए निभाते हैं? जो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का उसके लिए। लैक ऑफ सोशल स्किल, सोशल स्किल की कमी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स कॉस्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्या करती है, उस कॉस्ट को बढ़ा देती है। डाइल्यूशन ऑफ बेसिक गोल ऑफ बिजनेस, और जो बिजनेस के बेसिक गोल होते हैं उनको डाइल्यूट कर देती है। बिजनेस आर नॉट मोरल एजेंट, बिजनेस जो है वो एक मोरल एजेंट नहीं है, मतलब जो किसी को बढ़ावा दे, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिडक्शन इन कॉम्पिटिटिवनेस, जो भी कॉम्पिटिटिवनेस होती है, कॉम्पिटिशन होता है, उसको रिड्यूस करती है, कम करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हैं, कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से होती हैं। इसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स कितने तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो फर्स्ट वन, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। बिजनेस जो होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करना और सर्विसेज प्रोड्यूस करना जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। एंड सोसाइटी विच वांट एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट, और जो सोसाइटी चाहती हो और उसको प्रॉफिट पे सेल कर सके। उसके बाद सेकंड वन है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अवर सोसाइटी।
हर बिजनेस एंटरप्राइज यही एक्सपेक्ट करती है कि जो लीगल जो बाउंड्रीज हैं, जो लीगल वर्क है सोसाइटी का, उसके अंदर अंदर अपना वर्क करें। अ लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज गेट नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, लीगल में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता एंड इज़ कंसिडर्ड एज सोशली रिस्पॉन्सिबल इंटरप्राइज। और इंटरप्राइज होती है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है, सोसाइटी पर रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड पॉइंट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिक्स इज मच मोर देन लॉ। इथिक्स जो होते हैं वो लॉ से ज़्यादा होते हैं। वाइल बिहेविंग एथिकली बिजनेस मैन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो इथिकली अगर वर्क करता है तो वो एडल्ट्रेशन और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह के केस में इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद लास्ट वन है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ प्योरली वॉलेंट्री, वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन इन चैरिटी। इसमें क्या होता है, जो चैरिटी की जाती है उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड किया जाता है। पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट, और जो सोसाइटी के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। सेटिंग अप एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, हेल्पिंग पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड अर्थक्वेक। और सोसाइटी की इस तरह से हेल्प की जाती है कि कुछ एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जिसमें जो लोग फ्लड या अर्थक्वेक वगैरह से अफेक्टेड होते हैं तो उनकी हेल्प की जाती है। कभी फ्लड आ जाता है या कभी अर्थक्वेक होता है तो उससे कुछ लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बिजनेसमैन फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस इंटरेस्ट ग्रुप के लिए होती है। फर्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। बिजनेसमैन के लिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कौन होता है, कंज्यूमर। तो फर्स्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स होती है, कंज्यूमर के टुवर्ड्स, कि कंज्यूमर को हमें, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें पूरी करनी है। सो प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन सेफ आइटम से हो बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, और उसमें जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए ठीक से। सेकंड वन, बीइंग ट्रथफुल इन एडवर्टाइजिंग। ये मतलब है कि जो भी हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो सही होना चाहिए, ये नहीं कि प्रोडक्ट कुछ और है और एडवर्टाइज किसी और चीज़ की कर रहे हैं। तो कंज्यूमर को इस चीज़ के लिए सब कुछ ट्रूथफुली बताना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट वन है टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जो भी ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उसको फेयरली फॉलो करना होगा। सेकंड वन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड एम्प्लॉय। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं कंपनी में उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। सो फर्स्ट वन, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज़ जो भी वर्क कर रहे हैं उनको जो कंपनसेशन दिया जाए वो उनके वर्क के हिसाब से सही से दिया जाए। सेकंड वन, प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। जहाँ पे वो वर्क करते हैं वहाँ पे एक अच्छी और सेफ वर्किंग कंडीशन उनको दी जाए, तो वो प्रॉपरली वर्क कर सकें, लाइट वगैरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद है टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी का पार्ट होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किसी भी डिसीजन में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द ओनर, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर। जो भी ओनर होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो उन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो उसके लिए उनको सेफ्टी दी जाए, टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर उनको रेगुलर रिटर्न दिया जाए, टू इंश्योर एप्रिशिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए और इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट किया जाए। फोर्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टू अबाइड बाय रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन और लॉ बने हुए होते हैं उनको अबाइड किया जाए, टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम। जो भी टैक्सेस पे करने होते हैं उनको टाइम पे
टैक्स पे किया जाए टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, और जो भी सोशल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में हेल्प की जाए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द कम्युनिटी। कम्युनिटी जो होती है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन। जो बिज़नेस जो भी इंटरप्राइज चल रही है तो उसका जो भी पॉल्यूशन होता है उससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में वो बिज़नेस है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं उनकी हेल्प की जाए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर जो गुड्स सप्लाई करते हैं उनके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर। जो सप्लायर होता है उसको उसके सप्लाई के लिए रेगुलर पेमेंट की जाए, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, और जो भी डील हो रही है वो फेयरली सप्लायर से हो। उसके बाद लास्ट वन, टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम। प्रोटेक्ट किया जाए और असिस्ट किया जाए जो भी छोटे सप्लायर हैं उनको ऑर्डर देकर। उसके बाद है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। इसके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्या क्या कॉज होते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉज। तीन कॉज की वजह से अराइज होता है। फर्स्ट वन एयर पॉल्यूशन, सेकेंड वन वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो एयर में होता है, वाटर पॉल्यूशन जो वाटर में होता है, लैंड पॉल्यूशन जो लैंड पे होता है। इन तीनों की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं। द मेन रीज़न टू कंट्रोल द पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। जो मेन रीज़न है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, टू इंश्योर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए इकोनॉमिक लॉसेस, जो इकोनॉमी का लॉस होता है उसके लिए कंट्रोल करना ज़रूरी है। टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, और जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए। टू इंश्योर हेल्दी लाइफ, जो भी ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ को हेल्दी करने के लिए। टू लेड अ कंफर्टेबल लाइफ, और पॉल्यूशन फ्री लाइफ के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। द बिजनेसमैन शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू कंट्रोल एंड चेक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, कुछ स्टेप्स लेता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को चेक करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट वन, मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, तो उसकी टेक्निक्स, जो भी बनाने के लिए वो टेक्निक यूज़ हो रही है, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके बाद रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट निकलता है तो उसको रिसाइकल किया जा सके ताकि पॉल्यूशन ना हो। उसके बाद है ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इंटू वाटर और डंपिंग इन द लैंड। वेस्ट को क्या किया जाए, थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग दैम, उसको पानी या फिर किसी लैंड में डंप करने की बजाय उसको पहले ट्रीट किया जाए, रिसाइकल किया जाए, ताकि वो लैंड या वाटर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद लास्ट वन है मेक यूज़ ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए जाएं उनको क्या करना चाहिए, इको मार्क्स उस पर लगाने चाहिए, यूज़ करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल और चेक करने के लिए बिजनेसमैन करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे द मेन रीजंस एंड फैक्टर विच हैव फोर्स बिजनेसमैन टू कंसीडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। क्या क्या वजह हैं, क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोई भी बिजनेसमैन उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो फर्स्ट वन है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। पब्लिक रेगुलेशन मतलब जो भी पब्लिक होती है उससे खतरा होता है किसी भी चीज़ का, कि अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो हमें किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है, इसलिए बिजनेसमैन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। दूसरा, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट का मतलब है कि जो भी लेबर होती है, जो भी लेबर वर्क करती है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज होती है, तो उसका एक प्रेशर रहता है, तो उसकी वजह से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस।
जो कंज्यूमर होता है, जो प्रोडक्ट हमारा खरीद रहा है, तो उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है उसकी वजह से उस पर असर पड़ता है थोड़ा। मतलब कंज्यूमर हर चीज़ के लिए कॉन्शियस होता है कि बिज़नेस में क्या क्या चल रहा है, ये बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, तो उसका इम्पेक्ट पड़ता है। फोर्थ वन है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिज़नेस। बिज़नेसमैन को अपना एक सोशल स्टैंडर्ड बनाना होता है बिज़नेस का, इसलिए वो क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिज़नेस इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट और बिज़नेस इंटरेस्ट के बीच रिलेशनशिप होता है। सोसाइटी को बिज़नेस से कुछ चाहिए होता है, बिज़नेस को सोसाइटी से कुछ चाहिए होता है, तो दोनों का लिंक होता है। इस वजह से जो बिज़नेसमैन होता है, इस रिलेशन की वजह से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरल क्लास। और जो भी प्रोफेशनल मैनेजरल क्लास होता है बिज़नेस में, जो भी प्रोफेशंस होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है जो भी बिजनेसमैन होता है उसको। इन सारे रीजंस की वजह से जो भी बिजनेसमैन होता है वो क्या होता है, फोर्स्ड होता है एक तरह से सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए।